नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जिला मुख्यालय के एसएसपी कार्यालय पर सोमवार को हुए एक सनसनीखेज घटनाक्रम में एसएसपी परिवार सहित कार्यालय पहुंचे एक व्यक्ति ने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि समय पर एक अधिवक्ता द्वारा हाथ से माचिस छीन लिए जाने पर वह अपने प्रयास में असफल रहा। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी नगर ने उसकी व्यथा सुनकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। एसएसपी कार्यालय पर सोमवार दोपहर अपनी पत्नी राधा व पुत्र पवन के साथ पहुंचे जैथरा कस्बा के गांधीनगर निवासी विनोद का आरोप है कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री मेघा की बीते 21 जनवरी की सुबह मोहल्ले के तीन नामजद आकाश उर्फ नंदू व अभिषेक पुत्र गणराजीव गोस्वामी व मुन्ना पुत्र गिरीश चंद्र सहित अन्य लोगों ने तमंचे के बल पर उसकी पत्नी राधा का मुंह बंद कर तथा पवन की कनपटी पर तमंचा लगाकर अपहरण किया है। जबकि पुलिस द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद 24 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुत्री की बरामदगी के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके विपरीत आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं। अभी एक दंपति द्वारा यहाँ एक पुलिस ऑफिस पे अपने ऊपर जो डीएल डालने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया गया। मामला क्या है, क्या जानकारी है आपको? अभी पुलिस ऑफिस में जैतरा में एक लगी 363/66 का मुकदमा 24 तारीख को पंजीकृत हुआ। उसी के संदर्भ में जो है इन लोग गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस ऑफिस में कुछ लोग एकत्र हुए थे। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों को जो है कुछ को संदिग्ध में पूछताछ के लिए ले भी आई है। अब गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें भी बनी हुई है, लगातार दबिश की जा रही है। जल्दी जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की। सीओ साहब, ये दंपति इतना परेशान है कि उसने अपने ऊपर डीजल डाल के आत्महत्या का पूरा प्रयास किया, आत्महत्या लगभग कर रहे थे, तो क्या नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं खामी है जिस वजह से ये पूरा परिवार परेशान था? 24/25 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो इनसे बात की गई है कि लगातार दबिश हो रही है, पुलिस की इसमें कोई भी लापरवाही नहीं है, पुलिस प्रयास कर रही है जल्दी जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई। इस वजह से किया, मेरे बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, क्या करें जी के, जब मुझे कोई रहने नहीं देगा, कुछ नहीं करने देगा। मेरी बच्ची को ब्लैकमेल करते हुए साल भर हो गया था और उसी दबाव में आकर के वो अपने आप को गुंडों के हवाले करती रही है, वो कर रही है, अपने आप को घुटन महसूस करती है ना। उसी वक्त जब वो बालिग हो गई तब उसे उठा ले गई, मुझे और मेरे बच्चों को इसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे बराबर। आज आपने जो आत्महत्या का प्रयास किया है, जिस वजह से किया साहब, कानूनी कार्रवाई करने के बाद भी कोई भी हमें सफलता नहीं मिली, कोई नतीजा नहीं मिला है। और उसके गांव के जानने वाले न जानने वाले सभी लोग उसके शरण में, राजनीतिक संरक्षण में पहुंच चुके हैं और इस वजह से हमारे ऊपर कोई वो नहीं किया जा रहा है। तो अब पुलिस क्या कर रही है, क्या आश्वासन क्या मिला है आपको? आज कुछ भी नहीं कर रही है, अब तक पुलिस किया होता तो अभी तक कोई ना कोई गिरफ्तार होके आ गया होता। ठीक है, जो आज आप रो रही हैं तो बात क्या है, क्यों आई है एटा? इसलिए हमें कोई न्याय नहीं मिला, मेरी बच्ची को उठा के ले गए और कोई पता ही नहीं चल रहा है। 21 तारीख को सुबह 4:30 बजे उठा के ले गई, कोई पता नहीं चल रहा है। हम बात जगह जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी यहीं पर। आत्महत्या की सूचना पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे एटा के क्षेत्राधिकारी देवानंद ने बताया है कि जैथरा पुलिस द्वारा मामले में 24 जनवरी को इस मामले को पंजीकृत करने के बाद परिजनों से की गई पूछताछ के आधार पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट।